बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मैं यूट्यूब फैमिली तो आप सब कैसे वाले हो? आप सब ठीक ठाक होंगे? आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो मेरे वीडियो पर नए आने वाले हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तो हाँ जी, तो रात के 12 बज रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसे देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं, मेरा कपल या मेरा व्लॉग्स देखते हैं, वो उन सबको पता होगा, लेकिन जो नहीं देखते मैं उनसे बात नहीं कर रही, लेकिन जो देखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि आज उसके बेटे ने एक वीडियो डाली है जिसमें उसने लिखा है कि मैंने अपनी वाइफ को यानी अपनी बेगम को मैंने डाइवोर्स दे दी है, उसकी रीज़न क्या हुई है और मैंने क्यों दी है। जबकि वो कह रहा था, हमने देखा है, हमने उसकी पूरी वीडियोस देखी हैं जिसमें उसके मेहंदी से फंक्शन हुए, जिसमें उसके निकाह भी हुआ, लेकिन अब जो थे ना उनकी प्रॉपर शादी होने वाली थी। तो जैसा कि उसने बताया कि हम लोग डेट लेने गए हैं और 17 दिन की हमें डेट मिली, और फिर उसने कोई छोटा सा फंक्शन था वो भी उसने दिखाया। तो उसने बोला कि जब हम लोग घर आ गए तो हमें पता चला कि बल्कि उसकी जो फियांसी की जो है कॉल आई, जिसका नाम था आई थिंक माही, जिसका नाम था माही, उसको शायद इसने कॉल की या उसकी कॉल आई, उसको शायद चोट आई हुई थी, वो भी इसने दिखाई है, मेंशन की है। तो उसने कहा कि आप मुझे बताओ जी, आपको चोट कैसे आई है? तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया, कहता मैंने अपने फिर मामा को बताया। तो खैर उनके जो भी मामला आते हैं वो तो उसने नहीं बताए, लेकिन ये जान के बहुत अफसोस हुआ कैसा क्यों हुआ है, और ये उसने पूरी वीडियो नहीं बताई। तो इसने भी इन्होंने भी खामोशी इख्तियार की और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन वो क्या लेते, अगर लड़की रजामंदी नहीं थी तो फिर वो कैसे कर सकते थे? तो वो यही कह रहा था कि जब आप अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, अपने बेटों की शादियां करते हैं, तो उनकी रजामंदी ले लेनी चाहिए, इससे कि बाद में इंसान जलील हो। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये अंदर के मामला क्या हैं, इनकी तरफ से ख़त्म हुई है या उनकी तरफ से ख़त्म हुई है। जैसे ना जहाँ तक ये शादी की बात है, वो कपड़ों के जोड़े भी दिखा रही है, वो जो शायद डोनेट करना चाह रही है कि जिसको चाहिए वो ले ले आके। तो आप पता नहीं अब ये क्या है, अब शायद इनका भी ड्रामा है। तो खैर पता चल जाएगा ये क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो जो दूसरी लड़की है वो तो यूट्यूबर है नहीं है अंबर नाज की तरह, नहीं तो उसका भी पता चल जाता कि वो भी अपने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देती, तो इसलिए वो दूसरी फैमिली जो है वो खामोश है। तो इन्होंने भी खामोश तो ये लोग भी हैं, ये जो स्वीटी जी की तरह इन्होंने कोई हकामा बर्पा नहीं किया, बस खामोशी है अभी, तो वो खामोश है। आगे देखिए आगे चल के क्या होता है, उनके क्या रिएक्शन होते हैं। तो अभी तक तो वो यही कह रहा था कि हमें मेरी फ्रांसी के जो है क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम ही भूल जाती हूँ, माही के थंबनेल में उसकी पिक नहीं होनी चाहिए, और जो है मैं इसको आप बुरे लफ्ज़ों में मत याद कीजिएगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है हम उसको याद करें या हम उसको डिस्कस करें, हम तो आप लोगों को भी डिस्कस नहीं करना चाहते। ये तो चलो मैं भी लोग देखती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी भी आप टू डेट दे देती हूँ, तो जहाँ तक पता चल ही जाएगा जो हाल आप लोगों ने पहली वाली बहू का किया है, शायद वो इस वजह से आप लोगों से पीछे फैमिली हट गई है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। तो वो फैमिली जाहिर बात, जब फैमिली एक दूसरे के घर आती जाती हैं, एक दूसरे के पास बैठती हैं, तो फिर जाहिर बात पता चल ही जाता है कि ये फैमिली कैसी है।
तुम्हें भी उन्होंने आइडिया लगा लिया हो आप लोगों की बातों से, आप लोगों के रवैयों से, कि जो ना आप लोगों ने पहले का हाल किया कि हमारी बेटी का भी वही हाल ना हो, क्योंकि वो है, वो जो औरत है वो है तो बहुत ज़्यादा तेज और बल्कि ज़्यादा ही ओवर क्लेवर है, जिसने अपने सगी औलाद को, ये देखे भी सगी औलाद को उसने बाहर निकाल दिया है। इसके कौन से कोई इतने ज़्यादा बेटे थे, दो ही तो बेटे हैं और एक बेटे को पास रखा हुआ है और एक बेटे को इसने बाहर निकाल दिया है, और बस अपनी पोती को भी नहीं इसने देखा कि छोटी सी बच्ची है, तो इसने अपने बेटे को निकाल दिया। कहाँ वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, अपने ससुराल में रह रहा है, कभी वो किराए के घरों में रह रहा है, तो अपने बड़े बेटे के साथ और उसकी बेगम के साथ इसके इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तो उसने भी सोचा होगा कि कहीं शादी के बाद मेरी भी यही हाल, मेरी भी यही, मेरा भी यही हाल ना हो कि मुझे भी घर से निकाल दिया जाए, तो हमारा तो घर भी नहीं होगा, हम कहाँ रहेंगे। सौ बातें होती हैं लड़कियों के दिमाग में, ज़ाहरी बात एक नया घर में आने, एक नया माहौल तो एडजस्ट होना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वैसे तो उसे बड़ा प्यार दिखा रही थी, हर वीडियो में उसको उसके बड़े लाड प्यार देखे जा रही है, उसको गिफ्ट लेकर दे जा रही है, तो ये तो अंदर की बातें। चले खैर है, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही बता देंगे कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि ड्रामे तो वो करते रहते हैं, उनके चलते ही रहते हैं, मियाँ बीवी के भी, बेटे के भी, तो ये उनके ड्रामे होते रहते हैं। तो कभी ना कभी वो ज़रूर बताएगी कि उसकी जो उसके बेटे की क्यों क्यों निकाल टूटा, क्यों डाइवोर्स हुई, वो सारी बातें जो है ना वो सामने आ जाएंगी, तो हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।